इधर ट्राइंगल ओ ए बी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी ये दो वेक्टर्स जिससे आपका एक एंगल बनता है ए ओ बी, ट्राइंगल तो है, ठीक है, उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर आ जाता है, ओ पी पकड़ लो यहाँ पे ओ क्यू एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, सपोज आई वॉन्ट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, या व्हाट एवर द वेक्टर, वेक्टर अलोंग द दिस एंगल बाइसेक्टर, तो कैसे निकालना है? यहाँ पे एंगल इंटरनल बाइसेक्टर है और यहाँ पे एक्सटर्नल बाइसेक्टर, दो चीजें। ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए का, इसका भी मॉड ऑफ बी का, स्कूल में हमने सीखा हुआ है, क्या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे होगा और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, एंगल बाइसेक्टर स्कूल में सीखा नहीं सीखा ऐसा ट्राइंगल, अगर ये सेम होता है तो दिस एंड दिस का रेशियो सेम है, दिस इज इट, इज दैट क्लियर? यस सर। हाय यार, इस हिसाब से इसका बोथ रेशियोस सेम है, तो यहाँ पे पी जो है वो ए बी को इस रेशियो में डिवाइड करता है, लेंथ इक्वल नहीं है, रेशियो रेशियो के हिसाब से, तो इस पी पी बार कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द पी बार, पी बार कितना आ जाएगा, हाँ पी बार इज इक्वल कितना आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो पी बार इनटू मॉड ऑफ ए बार, पी बार इनटू ए बार प्लस मॉड ऑफ ए बार इनटू पी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ पी बार, इज दैट क्लियर? हाँ बच्चा, तो ये पी बार इज इक्वल, अगर इसको मैं अलग करता हूँ मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, अलग किया इनटू न्यूमरेटर एज इट इज लिखते हैं मॉड ऑफ ए बार इनटू ए बार प्लस मॉड ऑफ ए बार इनटू बी बार, अलग, और मैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार ले देता हूँ, यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, अब इसको यहाँ पे रखें, ये कुछ स्केलर क्वांटिटी आए सब मॉड, तो मैं उसको क्या करता हूँ लैम्डा से रिप्लेस, उसके अलावा और यहाँ पे अलग कर दिए, तो
तो बी बार बी बार कटेगा, मिलेगा क्या ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार, समझे कि नहीं समझे? ये आपका पी बार वेक्टर, क्लियर? हाँ सबको समझ। वैसे अगर मैं एक्चुअली ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर, ए क्या प्लस बी क्या। तो एंगल बाइसेक्टर क्या अलाउ अगर कोई वेक्टर है तो किस टाइप का? लैम्डा टाइम्स ए क्या प्लस बी क्या, ठीक है। अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करें तो क्या है? तो यहाँ पे सेम चलो यूज करते हैं, इधर है तो ये इधर है तो इसका क्या आएगा? मॉड ऑफ फीवर, यहाँ पे मॉड ऑफ फीवर, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मॉड ऑफ फीवर इनटू बी बार एंड मॉड ऑफ बी बार इनटू ए बार माइनस ए बार, तो इसमें क्या आएगा? माइनस ए बार आ जाएगी, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक समझ गए? चतुर्थी बी बार की बार इसी को क्या लिखूं? मॉड ऑफ ए बार इनटू बी बार माइनस मॉड ऑफ बी बार इनटू ए बार, समझे? अपॉन मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा हम लोग को? अल्टीमेटली दैट इज लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा? ये जो माइनस है तो बी कैप माइनस ए कैप, समझ में? यहाँ पे ए कैप प्लस बी कैप, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी यहाँ पे डिफरेंस कैसे लेंगे वो देखेगा, जो बेस में एंगल है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, समझ में? एग्जैक्टली जिस एंगल का ले रहे हो सबसे, तो ये याद रखना, इंटरनल के लिए प्लस आएगा, एक्सटर्नल के लिए माइनस आएगा, समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन अंडरस्टूड? अभी सम नंबर अपना 56 जो वर्डिंग से उन्होंने क्या बोला है? सी बार वेक्टर सी बार डायरेक्टेड अलोंग इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स दिस विथ द मैग्नीट्यूड दिस, समझ में आया ना? क्या हो तो क्या करेंगे बोलो? ए कैप क्या आएगा बताओ? वहां 56 में क्या यूज है? क्या 7 आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस फोर अपॉन रूट ओवर 49 प्लस 16 प्लस 4 कितना आएगा? 32 81 आएगा, 81 वाला अपॉन 9 इनटू 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 ठीक है, सही है। उस तरीके से बी कैप वो क्या आ जाएगा? माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? रूट माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/3 चलेगा राइट? ये आपको मिल तो अगर आपको क्या चाहिए वहाँ पे सी बार को क्या बोला उन्होंने? व्हाट इज सी बार? ये देखते रहो लोग उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बराबर? तो हम लोग को सी बार को क्या लिखना चाहिए? लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप लिखना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? ठीक है तो सी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स व्हाट इज ए कैप? 1/9 इज 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप
माइनस फोर प्लस वन बाय थ्री टाइम्स माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के लैम्डा टाइम्स इधर थ्री मल्टीप्लाई करके सब टाइम्स सेवन माइनस सिक्स आई कैप तो वन बाय नाइन में बाहर लिख देता हूँ लैम्डा बाय नाइन ठीक है इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके और कर देंगे और सेवन माइनस सिक्स दैट इज आई कैप माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन जे कैप माइनस फोर के प्लस सिक्स प्लस टू के क्या बच्चा बराबर है तो ये आपका सी बार ठीक है तो मॉड ऑफ सी बार कितना आ जाएगा लैम्डा बाय नाइन एज इट इज आएगा रूट ओवर क्या क्या आ जाएगा वन प्लस 49 प्लस 4 दैट इज 50 इसका मॉडुलस आपको दिया हुआ है दैट इज 5 रूट 6 तो लैम्डा बाय 9 ये कितना आएगा रूट 3 रूट 6 तो 5 रूट 6 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 9 इनटू 3 रूट 6 रूट 6 कट जाएगा 3 से तो लैम्डा इज इक्वल कितना आएगा 50 ऑप्शन ए ठीक है समझा चल तो आप इस कॉन्सेप्ट को लिख देना एंगल बाइसेक्टर करके ये लिखो और ये समझो ये आपका ट्रायंगल है ठीक है ट्रायंगल ए बी सी इसको मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए बोल आपके दिमाग में लगा उसको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो क्या करते हैं दो एक क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इधर किसका क्रॉस प्रोडक्ट आ सकता है फिर ए और ए बी और ए बी एंड ए सी का काम हो गया वही तो करना तो मुझे ए बी एंड ए सी वेक्टर चाहिए बराबर तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो सिंपल ये चाहिए उसका मुझे क्या चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए बराबर तो ए बी क्रॉस ए सी है इसको क्या लिखेंगे बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार तो इसको ओपन कर लेते बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार क्रॉस ए बार तो वैसे जीरो फिर यहाँ पे बी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार इज दैट क्लियर तो ये ए बी क्रॉस तो मुझे क्या बोला गया यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या चाहिए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड तो दूसरी चीज और भी बताए ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी लिख सकते हैं तो वहां से मुझे उसका क्या मिल सकता है मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इज दैट अंडरस्टूड यस और नो ठीक है तो इसको उन्होंने क्या बोला डेल्टा बोला है डेल्टा बोला तो यहाँ पे वन बाय टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी तो इन डायरेक्ट मुझे ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड कितना मिला टू डेल्टा तो मुझे क्या चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर मतलब दिस वेक्टर अपॉन दिस तो क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी डिवाइड बाय टू डेल्टा समझे या नहीं समझे तो हिसाब से आपका वो आंसर आ जाएगा 78 ठीक है चलो अभी बताओ आपके पहले लिख लो इसके बाद
हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा किसका a प्लस 2b क्रॉस 2a प्लस b नहीं समझे आप समझे क्रॉस इतना एडजस्टमेंट साइड दिया है ना क्रॉस दिया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाफ a क्रॉस ये करेंगे तो जीरो आएगा नहीं कितने This cross A करेंगे तो कितना आएगा A cross B आएगा plus four times B cross A आएगा ठीक है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं minus three times A cross B ठीक है तो ये vector area हो गया एक्चुअली क्या होगा इसको vector area अभी इससे area सही है तो हम लोग क्या लिखेंगे A equal to मॉडल आ जाएगा 3/2 मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा a क्रॉस b अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आई थिंक कल भी किया था इसका क्वेश्चन नहीं कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू sin थीटा दैट इज दी इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है एंगल भी दिया है कितना मैग्नीट्यूड ऑफ a √2 मैग्नीट्यूड ऑफ b 2 फिर साइन 60 दैट इज अगेन 3/2 यहाँ पे 2 उठ गया 9/2 दैट इज 4.5 न्यूमेरिकल वैल्यू 4.5 आ गया ठीक है क्या दिया है अभी और ठीक है चलो लेवल 2 में आ जाओ फिर लेवल टू में बहुत सारे सम्स होमवर्क ले दे रहा हूँ मैं इजी है क्या हो रहा है हाँ आप देख लिया देखा चलो कोई हर सम का आंसर बताओ स्टार्ट लेने का क्वेश्चन बाद में आंसर देने के बाद रिपीटेड क्वेश्चन है तो कैंसिल कर दो आप कैंसिल मत करो आप आंसर ठीक कर रिपीटेड क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया है ए दिया है बी दिया है सी दिया है तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी लेंथ ऑफ दी बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल ए इज क्या करोगे अभी भी किया हुआ आया ना तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पर्टिकुलरली ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा यू नीड टू फाइंड ए बी वेक्टर देन ए सी वेक्टर निकालोगे फिर उनके यूनिट वेक्टर निकलेंगे कि ए बार बी बार के जगह पे यहाँ पे क्या है ए बी बार एंड ए सी बार फॉर्मूला में ए बार एंड बी बार है तो यहाँ पे क्या है वो ए सी बार एंड ए बी बार तो ए बी बार निकालोगे ए सी बार निकालोगे फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वहां से मिल जाएगा ठीक है तो मुझे अभी करके दोगे क्या जैसे ऐसे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा फटाफट बराबर सर नाउ वन सॉल्व करके बताओ आंसर क्या अभी एंगल ए को बाइसेक्ट करा इसलिए ए बी एंड ए सी ले लिया याद रखें एंगल ए के जगह पे एंगल बी बोला होता तो बी सी एंड बी ए लेना पड़ता है याद रखना यहाँ पे एंगल पर्टिकुलर मेंशन किया ना एंगल ए बी ए वेक्टर को बाइसेक्ट कर बाइसेक्टर वाले का लेंथ चाहिए इसलिए हम लोग ए बी एंड ए सी ले रहे हैं एंगल ए के जगह पे अगर वहां पे बी दिया होता तो क्या लिखते बी ए एंड बी सी होता सी दिया होता तो सी ए सी बी होता क्लियर है उस हिसाब से वेक्टर निकालना पड़ता तो यहाँ पे एंगल ए दिया है तो हम लोग ए के हिसाब से काम करेंगे ठीक है ना करो बराबर ए बी वेक्टर निकालो ए सी वेक्टर निकालो यहाँ पे लिखा ए बी सी ट्राइंगल ठीक है ये एंगल बाइसेक्ट करोगे ए बी वेक्टर मेरे पास आ रहा है क्या रहा है ए बी वेक्टर आ
i cap plus 2j cap plus k. उसका मैग्नीट्यूड कितना आया ab का? रूट 6. उसके आप ac वेक्टर आया दैट इज माइनस 6 i cap प्लस 3 j cap माइनस 3k. तो ac वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 रूट 6. तो इधर मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 6. इधर कितना आएगा? 3 रूट 6. एंगल वाइज वेक्टर है तो ये जो भी रेशियो यहां पे आ जाएगा ये रूट 6 से कॉमन है. मुझे रेशियो लिखते हैं कॉमन है तो रेशियो में लिखूंगा 1:3 3 टाइम्स है ना. ये p लिखिए ठीक है. तो यहाँ पे p बार वेक्टर कितना आ जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके 3 इनटू b बार प्लस 1 इनटू c बार अपॉन 4. ये मुझे p बार आया. मुझे फाइंड आउट क्या करना है? ab बार क्या फाइंड आउट करें? pb. अभी 3 इनटू व्हाट इज b बार? टेल मी. 2y, 2y cap plus 6 minus 2 plus c bar c cap minus 5 i cap plus 2j cap minus 6 k whole divided by 3 to the 6 6 minus 5 i cap 3j cap 5 j cap माइनस 6 माइनस 12 के क्या डिवाइड बाय 4. ये पी बार हो गया सही है. आया मुझे क्या चाहिए? अभी एबी बार. एबी बार क्या आएगा? पी बार माइनस ए बार. तो ये आएगा आई क्या प्लस 5 जे क्या माइनस 12 के क्या. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है कहीं पे? देखो एक दो दिन प्लीज चेक कर देना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो. इधर थोड़ा चेक कर एक कितना है बताओ? माइनस आई कैप माइनस थ्री तो 4 इधर आएगा. तो आई कैप माइनस 4 आई कैप दैट इज माइनस 3 आई कैप. उसके बाद 5 जे कैप प्लस 9 जे कैप सही है. माइनस 12 प्लस 2 कैंसिल अपॉन 4 ऐसा सही है. तो ये एपी मिल गया. इसमें से मैं सपोज 3/4 कॉमन ले लेता हूं माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप. मुझे लेंथ चाहिए और मॉडुलस ऑफ एपी कितना आ जाएगा? 3/4 रूट ओवर 1 प्लस 9 दैट इज 3/4 रूट 10. तो है क्या ऑप्शन में से कुछ? तो इस सम से इतना मैं समझ में आया कि मैंने जो प्रूफ बताया वो कितना काम में आया है. लूप प्रूफ मेथड जिस मेथड से उन्होंने वो बाइसेक्टर का फॉर्मूला निकाला वो प्रूफ ही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया. मैंने एबी वेक्टर निकाला है एसी वेक्टर निकाला तो उसका लेंथ मुझे पता था. लेंथ के हिसाब से मैंने रेशियो ले लिया सबसे डिवाइड किया पी वेक्टर निकाला डायरेक्टली एपी वेक्टर निकाला. तो ये अच्छा सर था सोचने के लिए. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? एक का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बताओ? 9 प्लस 1 रूट 14. फिर दूसरे का साइड क्या आ रहा है? 26. फिर सी का कितना आ रहा है? 56. इधर गलत लिखा मैंने एक्चुअली. बाइसेक्टर क्या है? इसका निकाला होता है ए का निकाला. उन्होंने क्या बोला लेंथ तो मीडियम बाइसेक्टिंग द साइड ही है. मतलब वो साइड ही है. ये ए साइड है ये बी साइड है और ये सी साइड. तो बाइसेक्टर ऐसे ही आएगी. बाइसेक्टर सी का कितना रबर मैग्नेट रूट 56. लेंथ ऑफ मीडियम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू हाफ इनटू रूट ओवर इसका 2 2a स्क्वायर प्लस 2 क्या दिया फॉर्मूला क्या है?
then the medium term. Half into इसका two into इसका square आ जाएगा यानी 14 plus 2 into 26 minus c square ये है ना तो half into ये कितना आएगा 28 plus ये कितना आएगा 15 2 minus 56 कितना बनेगा वो root 24 root 24 बोले तो कितना आएगा 6 into 4 आंसर कितना दिया है रूट सिक्स दिया है ना हाँ तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं ए बार बी बार सी बार नहीं बोलते उसको ए बार बी बार सी बार को हटा देंगे कुछ नहीं लिखना सी वेक्टर्स लिखो एक कॉमा डालो इसमें ये हट जाएगा ये हट जाएगा और सी बार बी द वेक्टर्स कंसिस्टेंट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी ठीक है तो चाहिए तो ये आप आंसर लिख सको ये लिख बाकी ये लिखता ही नहीं था जो लिखना है उतना रखा है मैंने उतना ही लिखा एक क्रॉस चेक करें तो वर्टाइसेस दिया कि साइड देख चेक सब नंबर सेवन क्या दिया देखो ए बार बी बार सी बार आर थ्री वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर कोई भी कोलिनियर नहीं है द वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार इज कोलिनियर विद सी बार बी बार प्लस सी बार इज कोलिनियर विद ए बार देन ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू नो टू वेक्टर्स आर A bar plus B bar is collinear with lambda times C bar. B bar plus C bar is mu times A bar. Yeah. Okay. Then A bar plus B bar plus C bar is equal to ऐसा पूछा हमने. अगर ये दोनों वेक्टर्स को मैंने सबट्रैक्ट किया तो इफ आई सबट्रैक्ट दिस टू वेक्टर्स तो कितना आएगा ए बार माइनस सी बार इज इक्वल टू सेम अगर इसको भी लैम्डा लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल सेम क्वांटिटी Lambda times C bar minus A bar minus lambda and lambda is equal to minus 1 हो जाएगा and इसमें डालेंगे तो A bar plus B bar plus C bar is equal to कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा actually तो non-zero vectors बोला है addition 0 सर मैंने कुछ ऑप्शन दिया है तो दिया है क्या No two equilibriums. मतलब lambda लेने के बाद मतलब जो possibility value यही आ सकता है. बोलो बच्चा क्या हुआ? हाँ ठीक है पॉसिबल है डी ऑप्शन क्योंकि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अगर मैंने जीरो ले लिया जीरो बार ले लिया ठीक है तो आई कैन से दैट कि ए बार प्लस बी बार इज इक्वल कितना आएगा माइनस ऑफ सी बार है तो ए बार प्लस बी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ सी बार बोल सकते हैं तो इन दैट नो सेटिस्फाई हो जाता है कि ए बार प्लस बी बार इज कोलिनियर विद सी बार लाइक दैट आई कैन से दैट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस ए बार होगा तो हिसाब से वो मैच कर लेता तो आंसर जीरो ही होना चाहिए ठीक है ना यस सर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर एट, इफ थ्री पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर्स आर दिस आर कोलाइन इन द स्पेस देन ए बार प्लस बी बार इज, चलो करो, तीनों तीन पॉइंट्स कोलाइनर, इसका मतलब क्या बताओ, एक पॉइंट को सम नंबर क्या है ए, एक पॉइंट को मैंने क्या लिया ए मान लिया, देयर इज वन ए बी, दूसरे पॉइंट को क्या मान लिया बी मान लिया, दैट इज ए टू बी, तीसरे पॉइंट को सी मान लिया, दैट इज ए बी एन थ्री, ऐसा मान लिया, एंड वी आर सेइंग दैट दे आर कोलिनियर इन द स्पेस, कोलिनियर मतलब क्या आएगा, तीन पॉइंट्स है मेरे पास, तीन पॉइंट्स कोलिनियर, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, हाँ प्रोपोर्शन में क्या प्रोपोर्शन में, ये पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स है तो क्या होगा बेटा, अरे तीनों पॉइंट्स एक ही कोल, थोड़े दिमाग में पिक्चर नहीं ला सकते हम लोग, थ्री पॉइंट्स कोलिनियर मतलब क्या, तीन पॉइंट्स कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर, अभी आगे क्या सोचेंगे बता, ये पैरेलल हो गया, उसके लिए आपको ए बी बार निकालना पड़ेगा और ए सी बार निकालना पड़ेगा, एंड उनके कोएफिशिएंट्स किस में रहेंगे, प्रोपोर्शन में, टेल मी द आंसर, अरे देशमुख नहीं कर रहा, तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे, ये स्केलर मल्टीपल लेके किया, उससे भी काम नहीं बने, तो आखिर में मैंने क्या सोचा थे, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे आया, ये ओपन किया, ऐसा कुछ मिला, समझ में आया, Is that understood? ठीक है, अभी ठीक है, प्लीज प्लीज पेरेंट्स, ये मैं जो ये कर लेता हूँ, क्या रहने दे इसको मैंने सॉल्व किया, इसको इसको तो बाद में किया, इसको मैंने इक्वेट किया इसके साथ, इसका जीरो के साथ इक्वेट किया, जीरो के साथ इक्वेट किया, के वाला इक्वेट किया, तो मुझे क्या मिला, ए माइनस वन इंटू बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या मिलेगा, ए तो या तो ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू थ्री, ये चीज मुझे यहां से मिल रही है, और ठीक है इधर से क्या रहे यहाँ पे, इसको अगर इक्वल टू जीरो किया तो ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू थ्री आ, समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर, तो यहां से अगर दोनों का वैल्यू में ए उठाता हूं और इसमें डालते तो बी का थ्री आ, तो ओवरऑल ये देखा जाएगा कि इधर से मैं ए इज इक्वल वन लेता हूं, इधर ए इज इक्वल वन लिया चलेगा, और यहां पे ए इज इक्वल वन एंड बी इज इक्वल थ्री लिया तो पूरा जीरो
बन रहा है। तो इनडायरेक्टली यहाँ से ए का वैल्यू वन एंड बी का वैल्यू क्या आ रहा है थ्री आ रहा है। सबको समझ में आया या नहीं आया? आपस में एक्सप्लेन करो। ये दिस इज इक्वल टू जीरो आया राइट हैंड साइड। अभी ये फैक्टर मतलब ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब या तो ए वन ए का वैल्यू वन है नहीं तो बी का वैल्यू टू है। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली हो भी सकता है बट ये भी केस हो सकता है कि ए ए का वैल्यू वन रहेगा तो भी जीरो आएगा या बी का वैल्यू टू रहेगा तो भी जीरो आएगा। सेम विद दिस, इसको भी जीरो बनाना है तो इसमें भी ए का वैल्यू वन एंड बी का वैल्यू थ्री। अभी दोनों में कॉमन क्या है ए इज इक्वल टू वन, उसके लिए जाना ज्यादा बेटर है तो वो डाला। तो एक्चुअली इसको मैं कैंसिल करता, ये हटा देते, इसको नहीं देते। अगर ए का वैल्यू वन डाला, इधर ए वन है इधर भी वन है, अगर ए का वैल्यू वन है वन यहाँ पे डाले तो बी का वैल्यू कितना है थ्री आ रहा है, इसके लिए जीरो बन रहा है। मतलब ए का वैल्यू वन और बी का वैल्यू थ्री डाले से ये पूरा जीरो बन रहा है। दैट मींस ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू थ्री, आपको अलग अपने वैल्यूज में तो दोनों का एडिशन पूछे ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हेल्प कर गया ओके। अभी कुछ किया है ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है तो हम लोग इसको ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में डाल देते चलेगा। ए को ओरिजिन मान लेंगे, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस फिक्स कर देते, राइट एंगल ट्राइंगल है आइसोसेलेस। सपोज ये हम लोग ने क्या ले लिया, दो यूनिट ले लेते हैं, फिर 2,0 हो जाएगा, मीडियन में तो क्या आएगा 1,0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0,1 और ये क्या आएगा 0,2 हो जाएगा। तो हम लोग को कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए जो दिया नहीं क्वेश्चन, देन स्टिल वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स। आई थिंक उसके बाद तो सम सॉल्व करना आसान ही। अभी एंगल बिटवीन किसका बोला, ये मीडियंस ये बोला हाँ या ना। अगर आप इसको नेमिंग कर लेते हैं, इसको क्या लेते हो आप वैसे पी या नहीं, इसको क्यू, तो अभी क्या चाहिए आपको पी क्यू पी सी, पी सी एक वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए क्यू भी एक वेक्टर चाहिए, नहीं समझे आप हाँ या ना। आपको एंगल बिटवीन ने मीडियंस ही पूछा है ना, यस और नो। वेकेशन में थोड़ा सा धूल फिर क्या क्या दिमाग में 0 to 90 आपकी ट्रायंगल हां 0 to 90 हां तो आइसोसेलेस बोला राइट एंगल ट्रायंगल, आपकी ट्रायंगल यही है ना हां या ना। आपकी ट्रायंगल से मीडियन निकल रहा है, अब मुझे नहीं समझा द एक्यूट एंगल बिटवीन द, उन्होंने एक्यूट एंगल बिटवीन द क्या पूछा है मीडियन, मीडियंस पूछा है फ्रॉम द मीडियन फ्रॉम द एक्यूट एंगल ऑफ आइसोसेलेस। एक्यूट एंगल ढूंढना हां ढूंढना भी ढूंढना असल ये मैंने ऑप्टिक्स लिखा यही ढूंढना एंगल सॉरी वो हो गया मिस्टेक ठीक है। पीसी एंड क्यूबी ठीक है, व्हाट इज पीसी वेक्टर टेल मी, पीसी वेक्टर कितना आएगा C माइनस है ना तो 0 माइनस प्लस 2
What is QB here? 2 minus. 2 I cap? Minus. समझ में आया? दोनों के बीच में क्या चाहिए? एंगल चाहिए. क्या आएगा? Cos theta is equal to PC dot QB divided by more of PC more of Q. कितना आएगा फिर? Dot product minus 2 minus 2 upon क्या आएगा? Root 5 into root 5 minus 4 upon 5. Acute चाहिए? Acute चाहिए? हाँ या ना? तो प्लस मिलेगा. समझ में आया? हाँ या ना? Is this clear? ये cos theta हो गया. तो cos theta is equal to cos inverse of minus 4 by 5. तो theta is equal to pi minus. ये formula inverse का पता चल जाएगा. इस तरीके से तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स है. फॉर एग्जांपल मैंने ये एंगल निकाला तो ये चाहिए. तो ऑब्वियस है दिस एंगल विल बी दिस कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाय 5. इज दैट अंडरस्टूड? इस तरीके से बन गया. ठीक है, तो ये चीजें भी हमेशा याद रखना. इसमें मैंने क्या ट्रिक यूज किया? ट्रायंगल को कहां पे एक अपने सूटेबल पोजीशन पे रखे रख दिया कि हम लोग को कोऑर्डिनेट्स अपने आप मिल गए. इज दैट अंडरस्टूड? क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स थे क्या? नहीं थे. अगर ये प्लेस नहीं करता तो सम डिफिकल्ट होता. हाँ या ना? तो ये चीजें भी एक दिमाग में रखते हैं. एक ट्रिक ये जो चीजें कि ट्रायंगल को हम लोग अपने सुटेबल पोजीशन पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखेंगे तो चीजें आसान बन जाती है. क्लियर है? सम नंबर 11 क्या है? सम नंबर 11 आप कर लोगे? ठीक है. सम नंबर 12 आज 138 सम किया था हमने, उससे ही मिलता जुलता सम ये. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट द ऑलमोस्ट सेम. उन्होंने क्या अलग दो पेयर्स दिए हुए. ठीक है, और दोनों पेयर्स क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लोगे आप? जीरो लोगे वहां. समझ में आया? हाँ या ना? एंड देन दे आर आस्किंग द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू. समझ में आया? कर लोगे? ट्राई करो. नहीं आता है तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट. ओके, सम नंबर 13 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा. देखो मिल जाएगा. सम नंबर 14 सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट. वो वैसे करना एंगल बिटवीन यस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बार और बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार. और एंगल एक्यूट बोला है तो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए? लेस देन किसके बीच में होगा? जीरो के बीच में. जीरो वन के बीच में है तो ये वो वैल्यू. अगर एंगल अक्यूट है उसका कॉस कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा जीरो. अगर एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो वैल्यू क्या जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो दैट टाइम्स द एंगल वैल्यू ऑफ दैट कॉस थीटा विल बिटवीन माइनस वन एंड जीरो. कब? ऑब्ट्यूस होगा तो. अक्यूट है इसलिए किसके बीच में आएगा? जीरो एंड वन के बीच. तो आपको जीरो और वन का इंटरवल बना के सॉल्व करना पड़ेगा. कर सकते हो कि मैं करूँ? कर सकते हैं, इजी है. हाँ या ना? कॉस थीटा ही निकालना, एक ही चीज निकालनी. ठीक, 15 लिख के मत रखो. अपने दिमाग पे थोड़ा सा भरोसा करो यार, उसको उस तरीके से ट्रेन दो लंबे समय तक याद रहे चीजें. ठीक है, 15 सम लेट यू बार दिया है, बी बार दिया है, डब्ल्यू बार दिया है. इफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर सच दैट u bar dot n cap is equal to 0 and u bar dot n cap is equal to 0, then w bar dot n cap का modulus पूछा है क्या होगा? कुछ अलग सम देखते हैं. 15 सम क्या दिया है? u bar is given i cap plus j cap, v bar is given minus i cap minus j cap,
W bar is given minus I cap plus J cap plus 3 K cap. Thank you sir. पूरा ही खत्म करो सर. ओके. सो गई तू भी लगता है. एक्टिव ही नहीं. हम लोग की गाड़ी आता है तो यूनिट वेक्टर पे. कहाँ पे अटक गए? यूनिट यूनिट वेक्टर है नहीं जिसका डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना. क्या अज्यूम करते हैं? लेट कौन सा क्या अल्फाबेट यूज किया? N. N. Let N cap is equal to AI cap plus B J cap plus C K cap. Where? Under root x square plus b square plus c square is equal to 1. क्या बात है सर? क्या बात है? रूट हटा रहे. A square plus b square plus c square is equal to क्या है? इसका मैग्नेट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. लिख दिया मैग्नेट कितना है. ठीक है. अभी उसका यू के साथ क्या निकाल दिया? डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया तो आपको ए प्लस बी मिला. दिस इज इक्वल टू उसका वी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला ये भी 0 आया. यस ऑन. तो इधर से क्या पता चल रहा है? इसको इंप्लाई करते हैं a is equal to b is equal to 0. अब ये पॉसिबल अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 2 is equal to 0 आएगा. तो a is equal to 0. a 0 तो b भी क्या आएगा? 0 है. देख तो दिस इंप्लाइज दैट a is equal to b is equal to c क्या है? 0 है. तो आपका यहां पे n cap क्या बन जाएगा? n cap is equal to कितना आएगा? c k cap. मगर a 0 है b 0 है तो आपका क्या है यहाँ पे? a square plus b square plus c square is equal to 1 है. तो 0 plus c square is equal to 1. that means c is equal to कितना है? plus 1. तो जो मिस्ट्री वाला वेक्टर था n cap वो मुझे मिल गया. क्या k cap ले लेते हैं. चलो फिलहाल के लिए 1 मान लिया. माइनस 1 के देख लेते हैं. माइनस 1 कुछ अरे पूछा क्या हमने? n cap ना हो गया ना. w bar dot n cap का dot कितना आएगा? dot 3 आ जाएगा. माइनस 1 लेंगे तो माइनस 3 आएगा. इसलिए उन्होंने क्या पूछा? मॉड बोल कौन से कितना है? 3. समझे या नहीं? के साथ जाएगा. इधर तो कुछ है नहीं. 0 आएगा. डॉट डॉट के साथ आएगा तो 3 टू 1 इसलिए 1. कितना आ जाएगा? डॉट प्लस 3 आ जाएगा. अरे क्या क्या समझा? हाँ या ना? यस सर. तो आंसर इज 3. हाँ साइड अच्छा लग रहा है ना. इफ द वेक्टर्स वेक्टर डीकंपोज डीकंपोज ये आपका केमिस्ट्री वाला वर्ड डीकंपोज इनटू द वेक्टर्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर. तो देख वेक्टर को पैरेलल एंड परपेंडिकुलर तो वो वेक्टर्स क्या होंगे मुझे चाहिए. डीकंपोज करना है मतलब क्या है? उसके दो पार्ट में ब्रेक करना है. दो पार्ट्स में करना है तो आपको वो मिलना चाहिए जिसके अंदर एक वेक्टर तो कैसे करेंगे बोलो? अज्यूम करते. क्या अज्यूम करते बोलो? इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बच्चे. एक तो पैरेलल है तो पैरेलल है वेक्टर्स तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शन में ले सकते हैं. एक प्रोपोर्शन क्योंकि देखो
अगर इसमें अजम्पशन में जाएंगे, बोलो सर एक वेक्टर ले लो दूसरा एक वेक्टर अजम्प करो, तो ऐसे आपके 6 अननोन्स हो जाएंगे। अगर आपने सपोज एक वेक्टर को ai cap plus bj cap plus ck cap, दूसरे को pi cap plus qk cap plus q j cap plus rk cap, तो ऐसे आपके दो वेक्टर्स अगर आप अज्यूम करते हो इसमें, तो यहां पे फंस जाओ। कैसे 6 अननोन्स हो जाएंगे, 6 अननोन के साथ सम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है चलो, हां जो पैरेलल वेक्टर लेंगे उसको लैम्डा ai cap plus lambda, अभी बता दूं हम लोग फिलहाल इनिशियली अज्यूम करते हैं लेट that that vector भी क्या a क्या लेते हैं, कौन सा लेते हैं a बार लेते हैं, ठीक है, is a i cap plus b j cap plus c k which is parallel to what i cap plus k cap, तो parallel है, therefore I can say that a upon one is equal to b upon 1 is equal to c upon 1 is equal to lambda. So this means a is equal to b is equal to c is equal to lambda. Therefore a bar is equal to sub kya same hai na, lambda bar aa jayega, i cap plus j cap plus k cap. Actually ye likhne ka itna samajh mein aaya ki iska scalar multiple likhte to bhi chalta, kya likhte the scalar multiple, to upar ka hata deta hu kabhi kabhi kuch zyada hi soch lete hain, which is parallel to this, therefore a bar is equal to ये लिखा मैंने, ठीक है, a bar is equal to lambda times i cap plus j cap plus k, ये हो गया, so this is enough, ये बाकी का छोड़, अभी हम लोग को decompose करना है ना, तो हम लोग मानते हैं कि 6 i cap minus 3 j cap minus 6 k cap is equal to क्या मानते हैं left, ये डीकम्पोज हो रहा है दो वेक्टर में, ए बार प्लस बी बार, तो ए बार तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया, तो बी बार क्या हो जाएगा, इस 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप माइनस ए बार, व्हाट इज ए बार इज लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप लैम्डा के कैप, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, हां यार ना हम लोग दूसरा वेक्टर, हां ये जो बी बार आएगा उसका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग का लैम्डा, तो b बार आपके पास क्या आ जाता है 6 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 3 माइनस लैम्डा j कैप प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा k कैप, ये मुझे b बार मिल गया, और उन्होंने बोला b बार क्या है, इसको क्या परपेंडिकुलर, ठीक है, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू i कैप हो तो गया लैम्डा का वैल्यू मिल गया, बोलो हाँ स्लो हो थैंक यू। सम नंबर 19 में इट इज गिवन टू अस दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज जीरो, मॉड ऑफ ए बार इज गिवन, मॉड ऑफ बी बार इज गिवन, मॉड ऑफ सी बार इज, दे आर आस्किंग द एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार, कैसे करें, ये टेक्निक नहीं पता है, मैं बताता हूं मुझे एंगल किसके बीच में चाहिए, ए एंड बी के बीच में एंगल चाहिए, बराबर ना, और आपको क्या दिया है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए और बी के बीच में एंगल चाहिए तो सी को अलग करो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू कितना है, जीरो है, जीरो है, जीरो बार, सो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस सी बार, मैग्नेट निकालेंगे मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी बार, अब वो मॉड ऑफ ए बार तो मेरे पास वेक्टर्स तो बनी नहीं रहे ना, एंगल्स लाने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो मॉड का स्क्वायर क्यों किया, कल हमने पता है मॉड का स्क्वायर किया मतलब क्या है, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर है वेक्टर का, मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट,
कॉपी में इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार इज इक्वल टू c बार डॉट c, इज दैट अंडरस्टूड? यस, वेरी नाइस। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है? करो फटाफट, कंप्लीट करो। a बार डॉट प्लस b बार डॉट प्लस, इतना करना नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअली, आपको चीजें फटाफट आ जानी चाहिए। कितने का मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार इक्वल मॉड ऑफ सी बार। मॉड ऑफ ए बार का वाले कितना दिया? 3, 3 का स्क्वायर 9। मॉड ऑफ बी बार कितना दिया? 5 दिया, तो 25 प्लस 2 इनटू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार cos थीटा। सी बार का वाले कितना दिया? 49 ना, 7 दिया 49। तो कितना हो गया जोड़ दो, 34 जो जाएगा 15, 2 into 3 into 5 cos theta is equal to 15, ये ऐसे कर दिया, cos theta is equal to half, so theta is equal to 5/3 या 60 जो भी है, 60 डिग्री का साथ 5/3। सम नंबर 20, इसे पता नहीं ये लाइंस का सम पहले किया है, सम नंबर 20 से लाइंस का सम। सम नंबर 21 में क्या करेंगे आप लोग बताओगे कुछ? इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो मॉड्यूलस का क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। बट सिंप्लीफाई करते समय थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये डॉट लेंगे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार प्लस सी बार, तो ये जब डॉट मल्टीप्लाई करेंगे ए ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे चलो ठीक है, मगर ए बी और सी को अलग मत करो, डायरेक्टली बी प्लस सी को ही करो डॉट, क्या होगा उससे बोलो, ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, नहीं समझा? समझे नहीं समझे? इस तरीके से प्रॉपरली ओपन करो आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है? हाँ या ना? तो 21st होमवर्क के लिए 22nd, the set of values of x for which the angle between the vectors दो वेक्टर एक्यूट एंगल एंगल बिटवीन द वेक्टर b बार एंड द एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट, एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट क्या है? y एक्सिस, ठीक है, is obtuse is, क्या करेंगे बोलो? सम नंबर 22 में the set of values of x for which the angle between the vectors is acute, acute मतलब -1 0 to 1, obtuse नहीं, इसको करते हम लोग सॉल्व। हां सम नंबर 22, सम नंबर 22 क्या दिया है? a बार एक वेक्टर दिया है x x i cap, you can solve along with me, no issue, अब अपने हिसाब से try कर सकते हैं, minus k cap, b बार एक दिया हुआ है, 2x i cap plus x j cap minus k cap, a बार एक vector is given, b बार vector is given, set of values of x for which the angle between the vectors is acute, चलो ठीक है, तो इसका जो cos theta आएगा, इसका जो cos theta आएगा किसके बीच में आएगा? 0 एंड 1 के बीच में होगा, 0 90 के लिए, ठीक है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं किया मैंने, बोलो क्यों? वो एक cos 0 कब होगा? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल होगा तो उसको acute बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, इसलिए वहां पे 0 पे इक्वालिटी नहीं है, समझ में आया? और
जीरो को वन होगा, जीरो रहेगा तो चलेगा, लेस देन 90 एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं, मोर देन 90 ठीक है, तो चलेगा ठीक है। उसके बाद जीरो को बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या है, बिटवीन जीरो एंड 90 डिग्री होता है क्या होता है, बिटवीन जीरो एंड 90 डिग्री, तो वन को भी हटा देते हैं, चलो वन को भी हटा ठीक। उसके बाद क्या बोला है, एंगल बिटवीन बी बार एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट दैट इज cos थीटा 1 देते हैं ठीक है, चलो इसको पहले कर लेते हैं, cos थीटा 1 क्या आएगा, 0 लेस देन क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन क्या आएगा, किसके बीच में, जीरो एंड वन के बीच में, चलो कितना आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन शुड बी बिटवीन जीरो एंड वन। Is the quadratic factorable here? Yes. है क्या factorable बोलो? हाँ. है या नहीं? Minus इसका discriminant कितना आ रहा है बोलो? What is the discriminant of this? Positive के negative बता? Positive होता है b square 9 minus 4. One आ रहा है. चलो ठीक है. इसके factors आ जाएंगे? -2 -2. Factors आएंगे तो क्या आ रहा है? x - x - 1. ठीक है. एक्चुअली इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x शुड बी लेस देन 0, कैसे दो पार्ट में करेंगे ठीक है। इसके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके क्या है, 2x x 1 माइनस माइनस, यहां पे x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3 लेस देन 0, सही है, हाँ या ना, इसके लिए क्या आएगा, हाफ एंड देन 1 प्लस माइनस प्लस, ये रीजन आ जाएगा। और इसके लिए क्या आएगा, 0 एंड 3 बाय 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, पहले 0 आएगा फिर हाफ आएगा उसके बाद 1 आएगा उसके बाद 3/2। इसका सॉल्यूशन क्या है, हाफ से कम एंड एक से ज्यादा, इसका क्या है, बिटवीन 0 एंड 3/2, समझा कि नहीं समझा, कॉमन रीजन क्या आएगा, 0 से लेके हाफ एंड 1 से लेके 3/2, फिलहाल फर्स्ट पार्ट से ये आंसर है, ऑप्शन में क्या, 0 से लेके हाफ 1 से लेके 3/2 x is less than 0 हां थीटा 180 होगा, 180 होगा थीटा, थीटा क्या हो गया, 181 होगा तो पॉजिटिव एंगल अक्यूट एंड ऑब्ट्यूस है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होगा वो 0 180 के बीच में ही आएगा, 180 से ऊपर क्यों जाएगा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में तो एंगल बोल रहे हैं, सबसे छोटा एंगल 0 एक ही लाइन में पहन रहते हैं, सबसे बड़ा एंगल 180 वही हो सकता है, तेरा एंगल किसके बीच में आएगा, अगर एक्चुअल में एंगल आएगा तो बिटवीन 0 एंड 180 आने वाला है, 180 से बड़ा होने वाला है, समझे ना, ऑब्ट्यूस है तो अक्यूट एंगल होगा तो 0 से 90 डिग्री या 90 टू 180 ठीक है, नहीं इसका कंबाइन रीजन ऑप्शंस में से कोई मैच नहीं करा, इसको भी थोड़ा सा रुक गया, ऑप्टिक्स निकालना बाकी है, हां हां, ग्रेटर देन 2 लेस देन 0 लेस देन 1 बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 ही समझ में आ रहा है, पीछे आंसर क्या दिया चेक कर लीजिए इसको, 22 का डी ऑप्शन, डी दिए लेस देन 0
लेस देन 0 ये जो भी एंगल है it is less than 0, right? Negative आ रहा है, obtuse बोला है ना, ठीक है? ये दोनों पॉजिटिव राइट में चला गया, मतलब b बार डॉट is less than 0 आ जाता है, तो b बार किधर ही है? क्योंकि इधर से पता था x is less than 0 आ जा रहा है, but वो common reason नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इधर कुछ गड़बड़ किया है। मॉड ऑफ b बार और मॉड ऑफ b बार डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार है तो बिलीफ स्टेटमेंट सर इस साइड मॉड ऑफ अरे हां ये पॉजिटिव रहेगा जरूरी नहीं ना वैल्यू चेंज होगा इट कैन बी वैल्यू चेंज कैसे हो वन के जगह वाला मॉड ऑफ बी पॉजिटिव मॉड ऑफ बी बार आएगा वन के साइड पे चल जाएगा ना वन के साइड पे मल्टीप्लाई करता हूं कहां पे वो गलती किया मैं राइट वही गलती किया मैं एक्चुअली कर भी नहीं सकेंगे शायद से मतलब पॉजिटिव वैल्यू आता है ना ठीक है ठीक है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इधर कितना आएगा मॉड ऑफ इनटू मॉड ऑफ बी बार मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार राइट पॉजिटिव रूट है पर मॉड हमेशा पॉजिटिव है उस पर टेंशन नहीं है तो अभी यहाँ पे चीजें क्या आएंगी मॉड निकालना पड़ेगा मॉड का वैल्यू निकालना तो जीरो अभी अननोन है तो इसके साथ तो डील कर ही नहीं सकेंगे तो जाएंगे तो इसके साथ जाएंगे अगर इसके साथ जाते हैं और उसका वो सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा वाला ये सॉल्यूशन देखते हैं तो दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या पता चलो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे अगर मैंने हाफ ले लिया यहाँ पे जीरो ले लिया यहाँ पे वन ले लिया लेस देन हाफ है एंड ग्रेटर देन वन इधर इधर से क्या मिला लेस देन जीरो तो इसमें आंसर लेस देन हाफ आता है आंसर क्या सर जीरो हाफ के बाद जीरो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है और ये लेस देन जीरो ठीक है तो लेस देन जीरो आंसर आ गया ठीक है इज दैट क्लियर अरे हाँ यार ना ये पॉजिटिव ही आएगा ये वैल्यू भी पॉजिटिव है इसका कुछ टेंशन नहीं ये वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए तो लेस देन जीरो रहेगा तो दिक्कत नहीं है ठीक है लिखो आगे आंसर लेस देन जीरो इसको लैम्डा टाइम्स वी बार भी लिख सकते हो और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो आपके पास b बार वेक्टर दिया है 6 i कैप माइनस 8 j कैप k कैप राइट तो मल्टीप्लाई करते तो 6 लैम्डा अभी इसका मैग्नीट मेरे पास a वेक्टर आ गया ऐसे समझो उसका मैग्नीट कितना दिया है 50 दिया है तो इसका मैग्नीट कितना आएगा a बार का मैग्नीट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बोलो 30 6 प्लस 64 प्लस 225 बटे 4 कितना आएगा 100 हो जाएगा तो 400 625 बटे 4 मतलब कितना का 25 अपॉन 2 ये आपका मॉडुलस ऑफ a बार मतलब उसका वैल्यू कुछ दिया 50 दिया हुआ 50 दिया मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना का 4 लैम्डा का वैल्यू 4 आ गया है तो a बार का वेक्टर आ गया a बार वेक्टर आ गया 4 इनटू कितना आ जाएगा
सिक्स आई कैप सर फोर टाइम रिवर रिवर लिखा है आई थिंक हां क्या फोर नहीं कुछ ओके ऑप्शंस आ गया क्या हम लोग का ओके आंसर आ गया क्या हां चलो ठीक है हां ए बार इज इक्वल क्या आएगा फोर टाइम्स बी बार ऑप्शन ए इज द आंसर ठीक है 24 में क्या दिया है व्हाट इज गिवन इन सम द क्वेश्चन 24 कि ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स इन अ प्लेन विद द पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार सी बार डी बार सच दैट जीरो दिया है देन देन पर ट्राइंगल एबीसी डी क्या है डी क्या आएगा देखना पड़ेगा ना सम नंबर 24 डी क्या क्या ऑप्शंस क्या दिए इन सेंटर सर्कल सेंटर ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड डी क्या है तो मतलब डी के टर्म्स में लाना पड़ेगा ए बार माइनस डी बार डॉट बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस डी बार डॉट सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू जीरो ये कौन सा वेक्टर आता है ए बार माइनस डी बार मतलब डी ए वेक्टर आया ना डी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी बी ऐसा है राइट उसके बाद डी बी डॉट ए सी इज ऑल्सो जीरो तो ट्राइंगल अगर मैंने बना दिया ट्राइंगल ए बड़ा ट्राइंगल बना ट्राइंगल ए बी सी बड़ा ट्राइंगल बना लेते तो उन्होंने क्या पूछा है डी क्या आएगा ना उसके अंदर पर डी यहां पे अंदर डाल देते तो डी ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी और इधर से क्या हो रहा है डी बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी तो कहना से दीज आर द अल्टीट्यूड्स अरे हाँ या ना ये अल्टीट्यूड होगा या नहीं होगा ये किसको परपेंडिकुलर है बी सी को तो कहना से इसको एक्सटेंड करूंगा तो अल्टीट्यूड बनेगा और डी बी इसको भी एक्सटेंड करेंगे ए बी क्या बनेगा अल्टीट्यूड बनेगा तो डी क्या बनेगा उसका सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है ऑर्थो सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है ऑर्थोसेंटर तो आपका आंसर क्या आएगा ऑर्थोसेंटर ऑप्शन सी समझे या नहीं समझे अभी ये देख के आपको क्या कर दिया कंफ्यूज किया है ऐसा देखा आपको कंफ्यूज किया आप मुझे पता आप आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला था आप ओपन करने वाले थे और सॉल्व कर बराबर कि नहीं हाँ या ना जहां वो कर लिया तो खत्म हो गया वहां पे सम बनने वाला आपको ये करना था तो यहाँ से पता चला कि ये इसको परपेंडिकुलर है ये इसको परपेंडिकुलर दैट मींस दोस आर नथिंग बट द अल्टीट्यूड्स अल्टीट्यूड्स है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर तो ऑप्शन सी इज द आंसर 25 में क्या बोला ए बार एंड बी बार आर यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल अल्फा अल्फा किसके बीच में ऑब्वियसली 0 एंड पाई के बीच में होने वाला है And A bar plus B bar is less than 1, then alpha का range क्या होगा? बोलो ये भी आप कर सकते हैं। बोलो कैसे करेंगे? A bar plus B bar का modulus is less than 1 दिया क्या करेंगे? Square. Very nice. देखो तुम लोग को जम रहा है अभी। आगे क्या करेंगे? Square किया तो क्या करेंगे? बता समझ में आया क्या करेंगे? आगे क्या कर सकते हो? चाहे तो इसको अभी complete कर देना, ठीक है? करो करो ये दो लिखो इसका भी लिख देना वर्डिंग्स लिख दो कि दिस परपेंडिकुलर दिस देयरफॉर इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ठीक है लाइन खींचना ठीक है अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है ये कहां पे आता है ये चीज कहां पे आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां जहां पे आता है तो ये मुझे पता है 90 के बाद ये आएगा 90 प्लस 60 करेंगे दैट 90 प्लस 60 और इधर कितना आएगा 180 माइनस 30 मतलब 150 मतलब कितना आएगा 5 पाई बाय नहीं समझा हाँ या ना ठीक है सही 5/6 ना
ठीक है, तो यहाँ पे बाकी का भी रेंज निकाल सकता हूँ मैं। अभी इसमें आपका कॉस क्या चाहिए, माइनस आपसे कम चाहिए, तो मुझे इस रीजन में आ रहा है, तो इस रीजन में आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा 2π/3 से लेके 5π/6 आंसर। क्या दिया आंसर, ऑप्शन क्या दिया है, सिलिकल 2π बोला है, मुझे ये बताओ 150 के बाद कौन सा आता है, मेरे ख्याल से आइडियल आंसर तो ये होना चाहिए जो मैंने लिखा है, एंगल शुड बिटवीन 2π/3 से लेके 5π/6 ही होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी दिया राइट, तो पाई बाय थ्री से तो ऑब्वियसली बड़ा एंगल होना चाहिए, तब जाके वो नेगेटिव आएगा, तो उतना नेगेटिव नहीं होगा, आई थिंक आई एम श्योर मेरा आंसर यही है, यही आंसर आएगा, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है, फिर भी कंफर्मेशन में कल बता दूंगा, ठीक है, सब नंबर 27 ये आंसर लिख देना इस तरीके से, इसका यहाँ पे थीटा किसके बीच में आ जाएगा, therefore theta will be between 2π/3 and 5π/6 इसके बीच में होगा, तो एक cos theta का जो less than minus half होगा, otherwise possible नहीं है। सब नंबर 26 अगेन लाइंस का सम है, ठीक है, अगेन इट इज अ सम ऑफ लाइंस। नेक्स्ट सब नंबर 27 क्या बोला है, ए बार बी बार सी बार आर थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज ऑल्सो अ यूनिट, वो भी एक यूनिट वेक्टर बता दिया उन्होंने, यूनिट वेक्टर है सच दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये पेयर वाइज एंगल्स बिटवीन ए बार बी बार सी बार आर थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री देन का वैल्यू पूछा हुआ, ठीक है, पेयर वाइज मतलब समझ में है, ए बार ए कैप एंड बी कैप के बीच में एंगल कितना आएगा थीटा वन, बी कैप एंड थीटा टू एंड सी कैप एंड ए कैप के बीच में थीटा थ्री आंसर, ठीक है, दिया है क्या करेंगे बोलो बोलो, ए कैप दिया डॉट ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, वहां पे थीटा पाई क्यों नहीं चलेगा, हां थीटा पाई क्यों नहीं, थीटा पाई क्यों नहीं चलेगा, पाई से छोटा क्यों नहीं चलेगा, माइनस वन भी चलेगा ना, इधर 180 मतलब 180 माइनस 180
से छोटा हाँ तो पाई तक आएगा ना, टू पाई बाई थ्री से पाई तक, क्योंकि सब छोटे होते ना माइनस हाफ से। क्या माइनस हाफ मतलब? सोल्यूशन अपना यही बनता है जो मैंने बनाया, कॉस का वैल्यू माइनस हाफ से कम इस दौरान ही रहेगा, उसके बिना नहीं होगा। अभी इसके ऊपर आप बोलो, अभी क्या बोल रहे हो? माइनस वन छोटा है इस का माइनस माइनस हाफ से, तो पाई आ सकता है माइनस हाफ से, माइनस माइनस वन छोटा होता है तो पाई आ सकता है। वही तो रीजन लिया मैं, तो टीवी में पाई डाला तो कितना आ रहा है? -1 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
ये कितना आ रहा है, 3 पाई बाय 2 माइनस कितना हो जाएगा, कब आता है वैल्यू कॉस का वैल्यू, सेकेंड क्वार्टर में चला जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा इज इक्वल माइनस हाफ पाई, माइनस तो यहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री, 10 पाई बाई थ्री के बाद 10 पाई बाई थ्री करेंगे प्लस क्या करा, हमको समझ नहीं आ रहा है, ये एंगल मुझे चाहिए। 27 में क्या दिया है, ए यूनिट वेक्टर दिया है, कॉस थीटा 1 इज नथिंग बट cos theta 1 is equal to a bar cap, ये आ जाएगा, cos theta 2 आपका क्या आएगा, a bar dot क्या b bar dot c bar आएगा, cos theta will be a bar dot c bar आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछा है cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 का वैल्यू, a cap plus अच्छा a cap dot b cap plus b cap dot c cap plus a cap dot c cap, ये हो जाएगा b cap dot
उसको यूनिट वेक्टर बोला गया किसको, ए क्या प्लस बी क्या प्लस सी क्या इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वन आ जाएगा, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा मुझे क्या मिलेगा इज इक्वल टू वन मिल जाएगा राइट। तो मुझे क्या मिलेगा ए बार ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इज इक्वल कितना आएगा वन आ जाएगा। ए कैप डॉट ए कैप कितना आएगा वन, ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा वन ठीक है, ए कैप डॉट सी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा थ्री प्लस बी बा बी बी कैप डॉट ए कैप क्यों माइनस कॉस थीटा वन बी कैप ये वापस से बना जाएगा ये बी कैप डॉट सी कैप कॉस थीटा टू हो जाएगा प्लस कॉस थीटा थ्री प्लस कॉस थीटा टू प्लस वन इज इक्वल टू वन, एक वन कट जाएगा सारे टू टाइम्स आ रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं, सारे टू टाइम्स कितना आएगा कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, कौन से कितना आएगा माइनस वन कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। तो पहली बात तो ये है हमको एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, किस पे गिवन में दिया गया है वहां पे बोला गया कि ए क्या प्लस बी क्या प्लस सी क्या क्या एक यूनिट वेक्टर बोला गया। अब यूनिट वेक्टर मतलब मुझे पता है उसका मैग्नीट्यूड वन है, उससे ज्यादा और क्या पता है, क्या कर सकता हूँ उसका समझ आ रहा है ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बोला हुआ ए क्या प्लस बी क्या प्लस सी क्या को यूनिट वेक्टर बोला है तो आपको पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड वन है। अभी इतने सारे सम्स करते मेरे ख्याल से अभी ये स्टेप्स सबके दिमाग में बैठे गया माइनस दिया है तो उसका स्क्वायर को रन आगे चीजें करते हुए तो आंसर मिल गया हम लोग को एंड वो आई होप ये भी समझ में मैंने क्या किया था ये सबको समझाना क्या किया ये इसका ए वैल्यू भी बनाएगा ए भी बनेगा कॉस थीटा वन ये मिला सिमिलरली मैंने ये दो चीजें लिखी ठीक है। उसके बाद क्या 28 टाइम हो गया क्या, मैं कुछ सम नंबर लिख के भेजता हूँ वो करना ग्रुप में भेजता हूँ उतना करके आओ और वापस से मैं अपील कर रहा हूँ ऑनलाइन कोई देखता रहेगा उनसे भी अपील करता हूँ कल का लेक्चर मिस नहीं करना क्योंकि कल मैं 3D लाइफ प्लान चालू करो है ठीक है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इज दैट अंडरस्टूड डोंट मिस टुमारोज़ लेक्चर्स ठीक है ना थैंक यू सर।